आप अपना पेन ले लो, अपनी डायरी ले लो, उसमें लिख लो मेरे को 1 करोड़ की गाड़ी चाहिए, 5 करोड़ का घर चाहिए, 10 लाख महीना चाहिए। जो लिख लोगे वो आप अचीव कर सकते हो। इस दुनिया में खतरनाक से खतरनाक सपना सोच लो, वो सारे आप पूरे कर सकते हो। भले आप एजुकेशन है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी फैमिली सपोर्ट करती है नहीं करती कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने आप पे बिलीव करके लिखिए और उसके लिए काम पे लग जाइए। और ये 3 चीज जो मैंने बोली है, इसको रोज करते रहिए, देखना आपकी लाइफ धीरे 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 कैसे बड़ी अचीवमेंट पे जाएगी। लोग हैरान होंगे, अच्छी बात बताऊं, आप खुद अपने ऊपर हैरान होंगे भी, यार मैं तो ऐसा था ही नहीं, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता ऐसी ऐसी लाइफ मेरी होगी, मैं इतनी बड़ी कामयाब पे। आपको अपने ऊपर डाउट होगा कुछ सालों के बाद। अभी आज चेक शो हुए आप लोगों के, कितने लोगों के शो हुए? तो अभी मेरा इस महीने का रॉयल्टी का सबसे बड़ा चेक, अभी तक मेरे को 17-18 लाख रुपया, 17.5 हाईएस्ट आया था, इस महीने मेरे 18.5 लाख रॉयल्टी का चेक है। तो जब मैं चेक करता हूँ यार 18, अभी बोनस भी आएगा है ना, तो बोनस तो बहुत बड़ा होता है, 40 लाख के लगभग जाता है। तो हैरान होते हैं हम भी, यार ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी इंकम, 50 लाख महीना मेरे ऐसे इंसान को, 6 हजार की नौकरी करता था, 8वीं तक पढ़ा हूँ, घर वालों से सबसे सर्टिफिकेट मिला हुआ, सभी रिश्तेदारों से भी, ये तो नलायक है, पर उनके सबके सर्टिफिकेट फेल हो गए, जो वो वर्ड बोलते थे वो भी फेल हो गया। तो कहने का मतलब, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, अपने भगवान पे भरोसा है, ये पूरी दुनिया की नजरें झुकती हुई अपनी आंखों के सामने देखोगे और लोग ऐसा फील करेंगे, यार इसने ऐसा क्या किया। अभी जैसे मेरी फैमिली से लोग पूछते हैं फोन करके, सुखविंदर तू ऐसा क्या करता है, तेरा दिनचर्या तो बता, तू क्या करता है? तो मैं उनको बोलता हूँ मेरे व्हाट्सएप पे रहा करो, मेरे फेसबुक पे रहा करो, सुबह से शाम तक सब दिखाता हूँ मैं करता क्या हूँ, उठता कब हूँ, उठते करता ही क्या हूँ। सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं ए फ्रेश पीता हूँ, तो आप मेरे से ऑर्डर करो ए फ्रेश पियो सुबह सुबह। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं पूजा पाठ करता हूँ, तो अपने घर पे पूजा पाठ करो। फिर मैं क्या करता हूँ, जिम जाता हूँ, जिम जाके वापिस क्या करता हूँ, वे प्रोटीन पीता हूँ, ऑर्डर करो ना मेरे से, आप खाओ घर पे तो बॉडी बनेगी। तो इस सारे दिनचर्या में मेरा न्यूट्रिशन भी आ जाता है ना, भी मैं क्या क्या खाता हूँ, क्या क्या करता हूँ। तो जो जो मैं करता हूँ वो अपने घर पे कर सकते हैं, जो जो मैं खाता हूँ वो कहीं से नहीं मिलेगा, वो मेरे से मिलेगा। तो अगर मेरे 50 फैमिली मेंबर चाहते हैं मेरे ऐसा बनना, तो 50 फैमिली 200 वॉल्यूम पॉइंट पर मंथ खाएंगी। तो 50 फैमिली मतलब मेरा टारगेट ये है, 10 हजार वॉल्यूम पर्सनल मेरा होगा। तो आप जो पूरे दिन में स्टेटस डालते हो उसमें चेक किया करो, आप डालते क्या हो, लोग आपसे पूछे या ना पूछे है ना। जैसे मैं ये मीटिंग कर रहा हूँ, तो इसका मैं डालूंगा वर्क फ्रॉम होम, तो सभी लोग देखेंगे और पूछेंगे, यार ये कैसे काम करता है हमें बता। जब हमारा क्लब चलता है तो मैं उसकी वीडियो बनाकर डालता हूँ, फिर जो मोटे बोलते हैं यार हमें वेट लॉस करना है। जब मैं न्यूट्रिशन खाता हूँ, जब मैं अपना फिटनेस पे, तो नीचे मैं लिखता हूँ ना, अमेजिंग लाइफ विद हर्बल लाइफ, तो लोग पूछते हैं यार ये हर्बल लाइफ क्या, हमें भी तो बता। आप जो भी स्टेटस स्टोरी डालते हो उसमें दिखना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं लोग कर सकते हैं, या सिर्फ अपने अपने को दिखा रहे हो, आपका मैसेज आप देते नहीं। तो कुछ चीजें मैं पूरे दिनचर्या में दिखाता हूँ, और वहां से मेरे बहुत सारे कस्टमर, मेरी टीम बनती है ना, बहुत सारे जानकारी के लोग आते हैं। चलो तो आगे स्टोरी चलते हैं। तो फिर मैंने वेट गेन किया, वेट गेन होने के बाद उस टाइम मैं नाइट में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब किया करता था 6.5 हजार में, और मेरे फादर ने मेरे को बहुत समझाया, पर मैंने उनको नहीं बताया मैं क्या करता हूँ। मैं उनको बोलता था मेरे को मैच फीस मिलती है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जो लोगों की एज है अभी इधर 18, 19, 20 के होंगे, अगर आप घर से पैसे मांगते रहते तो घर वाले दुखी हो जाते हैं, अगर आप पे को तो नहीं होंगे, 4-5 हो तो हो जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई तो मांगेगा ना। तो मेरे को ये था घर वालों से अगर मैं पैसे मांगूंगा, और मेरा भाई बहुत मांगता था उस टाइम, वो न्यूजीलैंड रहता था, उसकी स्टडी का खर्चा और बहुत सारे खर्चे थे, तो मेरे को था घर से पापा से मांगा तो पापा बोलेंगे छोड़ दे क्रिकेट घर पे आ जा। तो मैं वहां पे बोला मेरे को मैच फीस मिलती है, पर नहीं मिलती थी उस टाइम, रात को 6-6.5 हजार रुपया मेरे को मिलता था। मैं जॉब करता था 12 घंटे, और 29 सेक्टर साईं मंदिर में मैं रहता था, लगभग 4.5 साल मैं मंदिर में रहा, साईं मंदिर बेसमेंट में, आपको लीडरशिप ट्रेनिंग में वीडियो भी दिखाता हूँ जहाँ मैं रुका था। और फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइम बदलता गया, पूजा पाठ करने लग गए, सेवा करने लग गए, तो भगवान आपको जरूर देता, अगर आप उसके कॉन्टेक्ट में रहते हो तो वो आपको बहुत कुछ देता, अगर आप दिल से याद करते हो तो, है ना। तो उसके बाद मेरा रिजल्ट आया, मेरे रिजल्ट आने के बाद फादर को न्यूट्रिशन भेज दिया, फादर का वेट लॉस हुआ, सिस्टर का वेट लॉस हुआ, तो हमारी फैमिली के रिजल्ट आए। रिजल्ट आने के बाद धीरे 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 बिजनेस बढ़ता गया, और जो आज हम लाइफ जी रहे हैं ये सिर्फ एंड सिर्फ हमारे कॉन्फिडेंस की वजह से है, हमारे पर्सनल रिजल्ट की वजह से है। अगर हमारा रिजल्ट नहीं होता तो शायद हमारा बिजनेस नहीं चलता। आप एक अंडरलाइन कीजिए, लिखिए, मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग में आप बहुत मेहनत करोगे, आपके कस्टमर कम बनेंगे, ये आप समझ लीजिए है ना। हो सकता है पहले 6 मंथ, हो सकता है 1 ईयर, ऐसा होगा, और स्टार्टिंग में आपकी टीम नहीं बनेगी, आप बहुत मेहनत करोगे लोग नहीं जुड़ेंगे आपके साथ। इसका कारण ये नहीं है भी, ये बिजनेस स्लो है,
ये बिजनेस लो नहीं है, आपके अंदर वो स्किल नहीं है, बस फर्क कितना है आपकी, या तो पर्सनालिटी मैच नहीं कर रही कंपनी के साथ, नंबर वन। नंबर टू, आपको फॉलोअप करना अच्छे से नहीं आता, आप बोलते अच्छे से नहीं हो, जो आप बात कॉन्फिडेंस से बोलनी है शायद आप कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पा रहे, इसलिए लोगों को आप पे डाउट हो जाता है, क्योंकि हर्बललाइफ आप हो। अगर आप बोलोगे ना इंटरनेशनल कंपनी, वो कंपनी को नहीं जानते, वो आपको जानते हैं, आप कितने कॉन्फिडेंस से बोलते हो, कितनी एनर्जी से किसी को समझाते हो, उस पर डिपेंड करता है, और वो बातें धीरे 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 आपको आने लगती है। तो स्टार्टिंग में सबके साथ होता है, तो ये कभी नहीं घबराना भी मेरे कस्टमर कम बन रहे हैं, टीम कम बन रही है, या मेरे लोग ट्रेनिंग में कम आ रहे हैं। आप ट्रेनिंग में आ रहे हो, आप क्लब में आ रहे हो, आप शेक पी रहे हो, आप लोगों से फॉलोअप कर रहे हो, आप लोगों से बात कर रहे हो, बस आपके हाथ में यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। बस उसको करते जाइए करते जाइए करते जाइए, पूरे मन से, अधूरे मन से मत करो, तो आप एक दिन बड़ी सक्सेस पे पहुंचेंगे। तो मैंने सेम स्टार्टिंग में मेरे को चैलेंज आए, और मैं हमेशा पॉजिटिव रहता था। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस, तो सर थैंक यू सो मच। तो आज हम हर्बल लाइफ में 20 के प्रेसिडेंट टीम है, और हमने कभी भी नहीं सोचा था भी इस रैंक पे हम पहुंच पाएंगे या इतनी जल्दी मिल जाएगा। ड्रीम बड़े थे, फाउंडर सर्किल बनेंगे, कैसे होगा ये बिल्कुल नहीं पता था, पर हम सिर्फ क्या करते रहे, सिर्फ लोगों से बात करते रहे, है ना। आज भी मैं वही करता हूँ, कोई मोटा बंदा पास से निकला, विजिटिंग कार्ड दे देता हूँ, तो वहां से मेरे को लीड मिलती है। कोई बंदा फिटनेस वाला मिला, मेरे को लगा ठीक है, उसको बिजनेस की मैं अपना विजिटिंग कार्ड दे देता हूँ। आपको करना क्या है, डेली लोगों तक पहुंचना है बस। अब रिजल्ट क्या आया उसके ऊपर ध्यान मत दो, आपको सिर्फ काम करना है, आप अपने कर्म करते जाइए। धीरे 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 जब आपको 10 साल हो जाएंगे, आपके नीचे मेरे जैसे 10-12 लोग आ चुके होंगे, और वो 10-12 लोग आपके नीचे अगर गेट टीम भी हुए तो आप प्रेजिडेंट टीम बन चुके होंगे। प्रॉब्लम क्या है, हम डेली वर्क नहीं करते, हम सिर्फ सोचते रहते हैं सर मेरे कस्टमर नहीं बन रहे, सर मेरी टीम नहीं बन रही। तो मैं एक ही चीज पूछता हूँ, कल क्या कर रहे थे सर? कल तो मैं घर पे था। परसों क्या कर रहे थे? परसों हम शादी में गए। उससे पिछले उस दिन सर एक बंदे को विजिटिंग कार्ड दिया था, उससे पिछले दिन, पर उस दिन तो ना ठंड थी ना, तो घर पे थे हम। तो ये जो आपकी दिनचर्या है ना, ये सबके साथ ऐसा ही होता है, आप चेक कर लो। इधर एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो रोज 10 लोगों को विजिटिंग कार्ड देता हो, और इसीलिए आपका होता नहीं है, बात खत्म है। तो अगर आप डेली काम करोगे, मैंने ट्रेनिंग भी बताई थी, हम भी ऑस्ट्रेलिया जब गए थे ट्रेनिंग लेने, वहां ट्रेनिंग देने आए थे जो चेयरमैन क्लब 6 डायमंड 30 के हैं वो, उन्होंने एक ही बात बोला, बिजनेस को अगर आप जॉब की तरह करोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, और बिजनेस को बिजनेस समझ के करोगे, आज कर लिया कल नहीं तो कर लिया नहीं, तो आपको जल्दी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो लिखिए डेली, अगर आप हर्बल लाइफ को 2 घंटे भी दोगे आपको कामयाबी मिल जाएगी। पर अगर आप, मैं फुल टाइम मुझी, और फुल टाइम में से एक दिन भी विजिटिंग कार्ड नहीं दिया, किस चीज का फुल टाइम है? सिर्फ तेरा नाम है फुल टाइम, हर्बल लाइफ को तो तू टाइम ही नहीं दे रहा, आप नहीं दे रहे। और नॉर्मली मैं लोगों को देखा जो जॉब करते हैं, अभी एक मेरा बंदा है मेरे नीचे, वो खेती करता है, सर मैं खेत में हूँ, सर मैं खेत में हूँ, मैं खेत में हूँ, कितना आता है सर? 2-3 लाख बच जाता है साल में। हर्बल लाइफ में अगर तू प्रेजिडेंट टीम बना तो साल में 5-6 करोड़ रुपया बचता है। अब तू जिसमें तेरे को इनकम नहीं आनी ज्यादा, 24 घंटे उसमें है, और मैं ये नहीं बोलता उसको छोड़ दे, उसको तू करता रहे, पर उसके साथ 2 घंटे नहीं निकाल सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। या कोई भी काम कर रहे हो, 2 घंटे हर्बल लाइफ के लिए नहीं निकाल सकते, हो ही नहीं सकता, हर हाल में निकाल सकते हो, भले आप जॉब करते हो, गवर्नमेंट जॉब में कुछ भी करते हो, हाउस वाइफ हो तो भी, क्योंकि 2 घंटे आप गप्पे मारते हो दिन में, 5 घंटे तो घर पे देखो आप फ्री हो, क्या करना है? सुबह शाम खाना बनाते हो, दिन में क्या करना है? तो आप कर सकते हो, सोशल मीडिया से करो, न्यूज़पेपर में ऐड दे दो, आपके पास बहुत ऑप्शन है, ऐड बूस्ट करवा दो इंस्टा पे, फेसबुक पे, कॉल अटेंड करने कर सकते हो ना। तो आपको ऑप्शन बहुत है, काम कर सकते हैं करते नहीं है। लिखो, हर इंसान हर्बल लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है, पर होता क्यों नहीं, क्योंकि वो डेली काम नहीं करता। तो आगे क्वेश्चन मार्क कर लो, और बाद में अपने आप से बात करना, क्या आप डेली करते हो। एक आपको अच्छी बात बताऊं, जो मैंने कुछ ट्रेनर से सीखी हुई है, मेरे को उनका नाम नहीं पता, फाउंडर सर्किल ही थे, कहीं ट्रेनिंग थी हमारी, उसने बोला आप जो भी पूरे दिन में काम करना है अपनी स्क्रीन पे, अपने फोन पे, अपने बेडरूम में, हर जगह लगा के रखो। मतलब मेरे को डेली 10 लोगों को विजिटिंग कार्ड देने, और उसको देखो, और अगर नहीं हुए तो आप शाम तक अपने आप को बोलो यार आज मैं काम नहीं किया, फिर अगले दिन फिर, और डायरी में वो लिखो कि कल मैंने किसी को विजिटिंग कार्ड नहीं दिया, सिर्फ ये 30 डे करना है। फिर अगले दिन की डेट, सेकंड डेट, फिर आगे डालो आज फिर नहीं मैंने किसी को दिया। 31 दिन के बाद आपकी डायरी आपको बताएगी आप कामयाब क्यों नहीं हो रहे हर्बल लाइफ, कोई और नहीं बताएगा, क्योंकि उसमें दिख जाएगा आपने कितने दिन काम किया, कितने दिन नहीं किया,
रिजल्ट आपके सामने, आपका वॉल्यूम दिखाएगा, आपके कस्टमर दिखाएगा। और फिर जब आप अपने कोच को बोलोगे कि सर मैं करता हूं पर होता नहीं, तो वो डायरी को भी देख लेना ईमानदारी से भी, करता कहाँ है और होता क्यों नहीं। और मैक्सिमम लोगों का इसीलिए नहीं होता क्योंकि आप डेली काम नहीं करते। अच्छा, कितने लोग इधर ऐसे हैं ईमानदार?